30 जून साल 1908 रशिया के साइबेरिया के इलाके में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था कि अचानक सुबह के करीब 7:17 पर आसपास रहने वाले लोगों को एक तेज रोशनी दिखाई पड़ी। रोशनी का सोर्स इतना ज्यादा चमक रहा था कि उसकी ओर देखा ही नहीं जा रहा था और ऐसा लग रहा था मानो दुनिया में दूसरे सूरज का जन्म हो गया हो। कुछ मिनट बाद वो लाइट बुझ गई और सब कुछ ऐसे शांत हो गया जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन तभी अचानक तेज धमाके की आवाज आने लगी, जैसे कि आसपास बमबारी होने लगी हो और उसके शॉक वेव्स इतने स्ट्रांग थे कि कहीं पर लोगों के घरों में भूकंप की गड़गड़ाहट आने लगी तो कहीं उस आवाज की वजह से घरों की खिड़कियां भी टूट गई। अब आसपास के कुछ लोग डर गए कि कहीं पॉलिटिकल टेंशन की वजह से किसी देश ने उन पर हमला करना तो शुरू नहीं कर दिया। लेकिन अगले ही दिन जब वैज्ञानिक इस इलाके की तरफ तफ्तीश करने आए तो उन्होंने जो देखा वो विज्ञान के परे था। अब आखिर उस सुबह साइबेरिया में ऐसा क्या हुआ कि विज्ञान उसे समझ ही नहीं पा रहा था? क्या वो धमाका किसी न्यूक्लियर वेपन की वजह से हुआ था या फिर वो किसी भगवान के क्रोध का परिणाम था? वेल, आज के इस वीडियो में हम उसी टुंगसुका इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने आज तक दुनिया को हिला कर रखा है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वहां पर रहने वाले लोग इस धमाके को एक्सपीरियंस करने वाले इकलौते नहीं थे, बल्कि ये शॉक वेव्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि इसकी वजह से यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में भी भूकंप रिकॉर्ड किए गए थे। अब उस वक्त के कई सारे रीडिंग्स ये क्लेम करती है कि इस धमाके की एयर वेव्स जर्मनी, डेनमार्क, क्रोएशिया, यूनाइटेड किंगडम और यहाँ तक कि अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी तक में 5 की मैग्नीट्यूड का भूकंप क्रिएट करने की वजह बनी थी। अब देखो, ये मामला इतनी बड़ी सेंसेशन बन चुका था कि रिसर्चर्स के लिए इस ब्लास्ट के सोर्स पॉइंट पर जाकर इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स निकालना एक ड्यूटी बन चुकी थी। करीब 30 मेगाटन के इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज करने वाले इस ब्लास्ट को लेकर वैज्ञानिक ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके सोर्स पॉइंट पर कोई ना कोई एस्ट्रॉइड या फिर मीटियोराइड गिरा ही होगा, जहां पर अब सैकड़ों किलोमीटर का एक क्रेटर बन चुका होगा। अब देखो, क्रेटर मतलब कि धरती की सतह पर बनने वाला ऐसा विशालकाय गड्ढा जो किसी एस्ट्रॉइड के कोलिजन के बाद क्रिएट होता है और उसके अंदर सब कुछ ब्लास्ट की वजह से राख में बदल चुका होता है। नाउ बेसिकली साइंटिस्ट वेयर एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस, बट इसकी जगह उन्हें कुछ स्पेशल देखने को मिला। उन्होंने देखा कि इंपैक्ट पॉइंट के आसपास करीब 2,150 किलोमीटर स्क्वायर के हिस्से में मौजूद करीब 8 करोड़ पेड़ बिल्कुल फ्लैट गिरे पड़े हैं, जो कि स्वाभाविक ही था क्योंकि इंपैक्ट के बाद इतनी तेज शॉक वेव्स क्रिएट होती है कि सब कुछ बिखर जाता है और आसपास बहुत से पेड़ और उनकी शाखाएं जली हुई भी दिख रही थी ड्यू टू ऑब्वियस एक्सप्लोजन आउटकम्स। मगर यहाँ पर अजीब बात ये थी ना कि उस पूरे इंपैक्ट एरिया का सेंटर पॉइंट जहाँ पर उनके हिसाब से मीटियोराइड हिट किया था, वहाँ पर मौजूद सारे पेड़ झुलस जरूर गए थे मगर खड़े वैसे के वैसे ही थे जैसे उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। अब भाई, अगर आप किसी जगह पर कोई बम फोड़ेंगे या कहीं पर कोई धमाका होगा तो सबसे बुरा प्रभाव बेशक ही उसी जगह पर पड़ता है जहां पर वो एक्सप्लोजिव डेटोनेट हुआ हो, बट इस केस में ना उस एरिया को छोड़कर बाकी सब कुछ तबाह हो गया था। अब ये कुछ ऐसा ही था जो इतिहास में पहले कभी भी नहीं देखा गया था और ना ही कभी किसी साइंस और फिजिक्स के प्रिंसिपल्स में डिफाइन किया गया था। तो ऐसे में सवाल ये आ रहा था कि क्या वाकई इस एरिया में होने वाले इस डिस्ट्रक्शन के पीछे किसी एस्ट्रॉइड या मीटियोराइड का हाथ था? अगर हाँ, तो ऐसा क्या हुआ कि इंपैक्ट पॉइंट को छोड़कर बाकी बची पूरी जगह तबाह हो गई? और अगर नहीं, तो फिर इस डिस्ट्रक्शन के पीछे कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? वेल, इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए साल 1910 से लेकर आज तक इस टॉपिक पर हजारों रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें से कुछ के अंदर लॉजिक की बात की गई है तो कुछ के अंदर मैजिक की। लेकिन सबसे ट्रस्टेड और सबसे रिलायबल पेपर हमें साल 1950 से 1960 के फेज में ही देखने को मिले। दरअसल देखो, हुआ क्या कि इस घटना को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी थी। एक हिस्सा वो जो इसे किसी मीटियोराइट का इंपैक्ट मान रहा था, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि किसी इंटरनल एक्टिविटी की वजह से हमें इस तरह का फेनोमेना देखने को मिला। मगर फिर मीटियोराइड की तरफ लोगों का झुकाव तब बढ़ गया जब साल 1960 के आसपास किए गए केमिकल एक्सपीडिशन में पेड़ों की ब्रांचेस और सॉइल के फ्रेगमेंट्स में निकेल, सिलिकेट, मैग्नाइट सहित कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के आइसोटोपिक
कंपाउंड्स भी पाए गए थे जो धरती पर और स्पेशली साइबेरिया के उस इलाके में ऑलमोस्ट ना के बराबर पाए जाते हैं। और ऊपर से उन फ्रेगमेंट्स के जो सिग्नेचर थे ना, वो ठीक उसी केमिकल सिग्नेचर को रिजेंबल कर रहे थे जो किसी मेटेराइड के सैंपल में कलेक्ट किए जाते हैं, जिस वजह से ये उन दसियों सबूत में से एक था जो ये प्रूव कर रहा था कि इस घटना के पीछे किसी न किसी मीटियोरॉइड का ही हाथ था। मगर सवाल फिर से वहीं पर आ जाता है कि अगर इन सब के पीछे वाकई कोई उल्का पिंड रिस्पॉन्सिबल था तो वो गया तो गया कहाँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर वो धरती से टकराकर गायब हो गया तो सेंट्रल एरिया उससे अनअफेक्टेड क्यों है। अब देखो, यहाँ तक तो आधी गुत्थी सुलझ चुकी थी, बस अब बचा था बाकी बची आधी गुत्थी को वैलिड एक्सप्लेनेशन देना, जिसके लिए आगे आने वाले कई सालों तक टेक्नोलॉजी के साथ साथ ढेर सारी ऑब्जर्वेशन और सिमुलेशंस को रन किया गया, ये पता लगाने के लिए कि जब भी कोई एस्ट्रॉइड हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में घुसता है तो वो किस किस तरह से अपने निशान पृथ्वी के अंदर बनाता चला जाता है और उसके साथ कौन कौन सी प्रोसीजर्स होती है। फिर ऐसे ही सैकड़ों ऑटोमेटिक और मैनुअल सिमुलेशंस को कंडक्ट करवाने के बाद हमें फाइनली थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हुए इस घटना का प्रोबेबली एग्जैक्ट रीजन मिल गया। दरअसल देखो हुआ क्या होगा कि 30 जून की उस सुबह करीब 60 मीटर चौड़ा मीटियोराइड धरती के अंदर ऐसे एंगल से घुसा होगा कि वो सीधे साइबेरिया के उस इलाके को हिट करने के लिए टारगेटेड था जहां पर ये घटना घटी थी। मगर हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट सीधे अपने फुल फॉर्म में धरती से नहीं टकरा पाता, बल्कि एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल एटमॉस्फेरिक लेयर से गुजरते हुए इतनी फ्रिक्शन झेलनी पड़ती है कि एज ए बाय प्रोडक्ट जनरेट होने वाली हीट के कारण वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम केसेस में धरती से टकराने के पहले ही कम्प्लीटली इवेपोरेट या फिर सब्लिमेट हो जाता है। और चूंकि बीच हवा में वो मीटियोराइट जल रहा होता है इसीलिए हमें तेज रोशनी तो दिखाई पड़ती है, लेकिन टकराने के पहले ही इवेपोरेट हो जाने के कारण उसका इम्पैक्ट झेलना नहीं पड़ता। नाउ इस केस में लाइट भी चमकी और इम्पैक्ट भी पड़ा, पर मीटियोराइट टकराया नहीं, जिस वजह से साइंटिस्ट एक ही रीजनेबल और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पर पहुंच पाए, विच वॉज ए मीटियोर एयर बर्स्ट। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि मीटियोराइट धरती के अंदर घुसने के बाद ठीक उसी तरह से प्रोसीजर कंटिन्यू करता है जैसे कोई नॉर्मल मीटियोर करता है, मगर जमीन से कॉन्टैक्ट होने से पहले ही कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के चलते अचानक ही वो मीटियोराइट एक्सप्लोड कर जाता है और उसकी शॉक वेव्स इतनी स्ट्रांग होती है कि आसपास के एरिया में कहर मच जाती है। अब नासा के खुद के आंकड़ों के हिसाब से करीब 44 टन मीटियोरिक मटेरियल हर महीने या हर हफ्ते नहीं बल्कि हर दिन धरती पर अंतरिक्ष से गिरता ही रहता है। लेकिन बात क्या है ना कि धरती का एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि इसमें से मैक्सिमम मेटियोराइट्स आंखों द्वारा नोटिस किए जाने से पहले ही पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए देखो 30 जून के दिन क्या हुआ होगा कि 60 मीटर का वो एस्ट्रॉइड धरती की सतह में एंटर तो किया होगा, लेकिन सरफेस से टकराने के कुछ ही मीटर ऊपर वो कुछ इस तरह से एक्सप्लोड कर गया कि टेक्निकली उसका टकराव कभी भी धरती की सरफेस से नहीं हुआ, मगर उस एक्सप्लोजन की वजह से क्रिएट होने वाली हीट के कारण जहां सेंट्रल एरिया के पेड़ झुलसने के बाद गिरे नहीं तो वहीं एक्सप्लोजन की हीट से क्रिएट होने वाले शॉक वेव्स ने आसपास के पूरे एरिया को तहस नहस कर दिया। आसान भाषा में जहां सेंट्रल एरिया को हीट का सामना करना पड़ा तो वहीं आसपास का बाकी बचा इलाका हीट नहीं बल्कि एयर वेव्स का शिकार हो गया। और चूंकि वो मीटियोराइट इसके ऊपर अफेक्ट करने वाले इतने सारे फैक्टर्स की वजह से काइंड ऑफ एक्सप्लोड करा था, इसीलिए उसके फ्रेगमेंट्स हमें सॉयल और आसपास के पेड़ों की ब्रांचेस में भी देखने को मिलते हैं। अब देखो ये तो हो गया केस नंबर 1, मगर इसका एक एक्सप्लेनेशन ये भी दिया जाता है कि उस दिन कोई अर्थ ग्रेजर इस पूरी घटना का कारण बना होगा। नाउ अर्थ ग्रेजर एक ऐसा मीटियोर होता है ना जो धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद टकराने से पहले ही वापस स्पेस में चला जाता है, मगर चूंकि वो हमारे वातावरण में जल रहा होता है इसीलिए कई बार उसके फ्रेगमेंट्स सतह पर गिर जाते हैं और इसकी एक्सेलरेशन इतनी ज्यादा तेज होती है कि धरती की सतह के कई मीटर ऊपर से निकल जाने के बावजूद उसकी सोनिक वेव्स किसी एक्सप्लोसिव TNT की तरह रिएक्ट करती है। अब ये वाला केस भी ना सिर्फ इस बात को एक्सप्लेन करता है कि उस दिन वो चमक किस चीज की थी बल्कि इसके भी पुख्ता सबूत देता है कि मीटियोराइट मेजॉरिटी वाले एलिमेंट्स और कंपाउंड्स उस एरिया में क्यों पाए गए। अब वजह चाहे कोई भी क्यों ना हो, मोटा मोटा हिसाब यही है कि एक एस्ट्रॉइड या मीटियोराइट धरती के अंदर घुसा और सतह से टकराने के पहले ही या तो हवा में एक्सप्लोड हो गया या फिर वापस से स्पेस में चला गया, और इन दोनों में से चाहे कुछ भी क्यों ना हुआ हो बट एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों ही एक्सप्लेनेशन इस सिचुएशन में पूरी तरह सटीक बैठते हैं। हालांकि ये घटना इंटरनेशनली इतनी ज्यादा पॉपुलर और इंट्रिगिंग है कि आज भी इसको लेकर बहुत से वैज्ञानिक अपने अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं और कई पॉपुलर मूवीज और कॉमिक्स में भी
इसके रेफरेंसेस दिए जाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर मार्वल कॉमिक्स में अर्थ 1610 के अंदर ये घटना इस वजह से हुई थी क्योंकि स्पेस से धरती पर आते हुए एक रोबोट इस इलाके से टकरा गया था, ताकि धरती के लोगों को गैलेक्टस के हमले से सावधान किया जा सके। और इसी तरह अगर आपके पास भी इस घटना को एक्सप्लेन करने के लिए कोई अच्छी थियोरी है तो हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।